हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निधि रावत। आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू होम्योपैथी। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर PHMS। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि PHMS ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आपको अर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स PHMS के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे कम्प्लीटली अनअवेयर हैं। हमें लगता है कि MD या गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कोई भी ऑप्शंस नहीं है। बहुत से लोगों को तो शायद ये भी ना पता हो कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जस्ट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर BHMS ग्रेजुएशन। सो हेयर आई एम ट्राइंग टू पुट लाइट ऑन ऑल द ऑप्शंस दैट यू कैन परसू आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर BHMS ग्रेजुएशन। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट MD होम्योपैथी। BHMS कंप्लीट करने के बाद आप MD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। एज अ BHMS स्टूडेंट आप बहुत से सब्जेक्ट से MD कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन, फार्मेसी, रिपर्ट्री, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, साइकियाट्री एंड पेडियाट्रिक्स। अगर आप MD गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। यू कैन अर्न अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 25,000 टू 80,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। देयर इज एन ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन नोन एज AIAPGT विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर एडमिशंस इन MD कोर्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट CCRH, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी रिसर्च फेलो वैकेंसीज। ये बेसिकली कुछ ईयर्स के लिए होती हैं, जैसे कि 1-2 ईयर्स के लिए वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है जिसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जूनियर रिसर्च फेलो दैट इज़ JRF, सेकेंड सीनियर रिसर्च फेलो दैट इज़ SRF। यू कैन अप्लाई फॉर JRF विथ ओनली अ BHMS डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, बट फॉर अप्लाइंग फॉर SRF वैकेंसीज यू विल नीड MD डिग्री। आपको CCRH वैकेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेगुलरली चेक द ऑफिशियल साइट फॉर अपकमिंग वैकेंसीज। एस्टिमेटेड सैलरी फॉर CCRH रिसर्च फेलो वैकेंसीज आर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टू 1 लाख पर मंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर वैकेंसीज के बारे में। मेडिकल ऑफिसर वैकेंसीज के लिए आप आफ्टर BHMS ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना मैंडेटरी है, जो कि आपको अपने स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल से मिलता है। यू डोंट नीड MD डिग्री फॉर अप्लाइंग फॉर मेडिकल ऑफिसर वैकेंसीज। ये परमानेंट जॉब वैकेंसीज होती हैं जो कि टाइम टू टाइम आती रहती हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए UPSC से एडवर्टीजमेंट रिलीज किया जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, दैट इज स्टेट PSC से एडवर्टीजमेंट रिलीज किया जाता है। यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ UPSC गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड रेगुलरली चेक फॉर वैकेंसीज। सिमिलरली फॉर स्टेट पब्लिक कमीशन, विजिट योर स्टेट PSC साइट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, UPPSC फॉर उत्तर प्रदेश, KPSC फॉर केरला। एस्टिमेटेड सैलरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर वैकेंसीज इज अप्रॉक्सीमेटली 80,000 टू 1.5 लाख पर मंथ और मोर, एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट 60,000 टू 1 लाख पर मंथ और मोर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टीचिंग अपॉर्चुनिटीज इन होम्योपैथी। इसमें प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट MD इज रिक्वायर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स। आपने जिस भी सब्जेक्ट में MD किया है आप उसमें टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप प्रोफेसर या लेक्चरर
के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। एस्टिमेटेड सैलरी इज अबाउट 50,000 to 1.5 lakhs पर मंथ और अबव। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएचएम वैकेंसीज के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन ऑफर्स वैकेंसीज फॉर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स अंडर डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स दैट फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के। दीज वैकेंसीज में कम मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर। दीज आर यूजली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इंडिया। एस्टिमेटेड सैलरी इज अप्रॉक्स 25,000 to 40,000 पर मंथ। यू कैन विजिट द ऑफिशियल साइट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ देर आर वेरियस होम्योपैथिक क्लिनिक चेन्स जिनके क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। दे प्रोवाइड होम्योपैथिक कंसल्टेंट पोस्ट। दिस विल बी अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। एस्टिमेटेड सैलरी कैन बी अराउंड 30,000 to 50,000। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है दैट अपार्ट फ्रॉम MD देर आर सो मैनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यू कैन सी द लिस्ट ऑन द स्क्रीन फॉर कोर्सेज दैट यू मे ऑप्ट फॉर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो की लास्ट में मैं कुछ बुक्स के नाम आपको बताऊंगी जो कि आपके पास होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। In government sector exams, the syllabus is same for every competitive exam as it is for AIPGT, that is whole BHMS syllabus. The only difference is that you have to prepare for the interviewing jobs. General knowledge questions may also be asked. These are the important books that you can refer to and for any competitive exams. For getting your basics clear about homeopathic subjects, you can follow Success by Dr. Naveen Kumar Singh, Turning Point by Dr. Alok Mishra, Kaizen by Dr. Gajen Singh, Crack the Entrance Materia Medica MCQs. For allied subjects, you can follow PG Plus or ROMS. ये books आपके basics को strong बनाते हैं, plus इनमें आपको last year के papers भी मिल जाएंगे. प्लस आपने अगर कोई भी कोचिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उनके स्टडी मटेरियल्स को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें. So finally, we have discussed about some wonderful opportunities after BHMS. Video useful lagi ho, to video ko like kare and aise hi informative videos ke liye channel ko subscribe kare. Thank you.